हमारा रास्ता साफ है, हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। हम जब 98 में सरकार बनाई थी, हमने 156 सीटें आई थी, जब मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, तो मैं चाहूंगा मिशन 156, मिशन 156 लेके चले हम लोग। We'll be right back.
नमस्कार जनते, में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर में हम बात करेंगे बड़े मुद्दे की। अभी तक राजस्थान में सियासी पारा कई मायनों में चढ़ा रहता है। शीतलहर के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार प्रतिपक्ष को घेरने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि मेरी अंतर आत्मा की आवाज से, दिल से ये बात निकल के आती है कि 98 से जो बनता आ रहा है सिलसिला, एक बार आप, एक बार हम, एक बार आप, एक बार वो, आपकी बार नहीं होगा और हमारी सरकार रिपीट होगी। वजह बताई उन्होंने कि 36 कौम तमाम तबके के साथ हमने काम किए हैं, दिल से काम किए हैं, मेहनत से काम किए हैं। कोरोना के 2 साल में हमने जो जनता के बीच राहत पहुंचाई है उससे जनता के बीच एक बड़ा मैसेज है और मेरी अंतरात्मा की आवाज कहती है कि इस बार वापस हम सरकार रिपीट करेंगे। उन्होंने आंकड़ा भी 156 का दे दिया है जो 1998 में जब 156 सीट मिली थी उसी आंकड़े को एक बार फिर हम दोहराएंगे और इससे इतिहास बनाकर छोड़ेंगे, ये कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री का ये बयान गणतंत्र दिवस पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कही। तो चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं कि 156 मिशन 156 अशोक गहलोत का, उसको लेकर के कांग्रेस क्या कर रही है। क्या वास्तव में गहलोत जी ने आंकड़ा बाद में बताया है और कांग्रेस को पहले से ही इस बात को लेकर के एक्टिव कर दिया कि आपको इस रूट पे काम करना है और मिशन 156 पूरा करना है। हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर अरुण शर्मा साहब जुड़े हुए हैं और दो वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब और ओम सैनी साहब हमारे साथ हैं, सुरेश गर्ग भाजपा से जुड़ रहे हैं। अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा। मिशन 156 अशोक गहलोत कह रहे हैं, इसमें कहीं कोई आश्चर्य है या फिर तैयारी शुरू हो चुकी इसको लेके? देखिए, कोई आश्चर्य नहीं है। ये एक फिगर उन्होंने दी है और बड़ी प्रेरणादायक फिगर मानता हूं मैं इसको, लेकिन ये बहुत स्पष्ट है कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से इस प्रदेश में वापस आएगी। हो सकता है लोगों को अभी ये 156 का आंकड़ा थोड़ा फार रीचिंग या दूर की कौड़ी लगता हो, पर ऐसा है नहीं। ये 156 जब अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष थे और उन्होंने जैसा बताया तो ये आंकड़ा एक बार पहुंच चुके हैं और वो इसलिए ही पहुंच पाए कि भैरव सिंह जी जैसे दिग्गज नेता का वो जो कार्यकाल था उसमें जो संवेदनहीनता थी वो चरम पे थी। यही महंगाई का आलम था और प्याज की रेट आपको याद होगी योगेंद्र जी, आसमान पे चढ़ी हुई थी उस समय। और भैरव सिंह जी जैसे मजाकिया लहजे में कई बार बात करते थे, उन्होंने कह दिया भाई प्याज महंगा हो गया है तो सेब खा लो। लेकिन ये बात जनता को काफी नागवार गुजरी क्योंकि बहुत मुश्किलात में जनता थी। और इधर अशोक जी भी लगातार दौरे कर रहे थे, 5 साल में बहुत मेहनत की इन्होंने। विद रिजल्ट 156 वो फिगर है जो पहुंची गई थी। अब आप कह सकते हैं कि इस समय परिस्थितियां दूसरी हैं, मुझे नहीं लगता। परिस्थिति लगभग एक सी, मैं इसलिए मानता हूं कि इस बार दो कंपोनेंट हैं इस आकलन में। पहला, जो देश में पिछले 8 साल से मोदी जी की सरकार चल रही है और जिस तरीके के क्रियाकलाप और जिस तरीके की वादा खिलाफी, जिस तरीके की आर्थिक विषमताएं आज देश के सामने है, वो चाहे बेरोजगारी हो, कमर तोड़ महंगाई हो, और जैसे मान लो गरीबों से तो रिश्ता ही तोड़ रखा हो इस सरकार। अरुण जी, मिशन 156 की जो संभावनाएं हैं, गहलोत सरकार के कामकाज पे ज्यादा कुछ डिपेंड है या फिर आप जो आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार का जो फेलियर मान के चल रहे हैं कि महंगाई हो, बेरोजगारी हो, कोविड हो, इन तमाम चीजों में? योगेंद्र जी, 156 के लिए मूल आधार, योगेंद्र जी दोनों, देखिए ये इन दोनों कंपोनेंट्स को अलग नहीं किया जा सकता। नो डाउट अबाउट इट कि जो पिछले 4.5 साल में अशोक जी की सरकार ने काम किए हैं, मैं मानता हूं काफी बाधा वाले ये 4.5 साल रहे, वो चाहे महामारी के शेप में हो या थोड़ी अस्थिरता या आतिशबाजियां, राजनीतिक आतिशबाजियां जो चली हैं वो उनकी बाधाएं हो, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि बिना हिचक के उन बाधाओं को पार करके
ये सरकार लगी रही। और मुझे नहीं लगता योगेंद्र जी समाज का कोई भी वर्ग है जिसको इसकी कल्याणकारी योजनाओं ने छुआ नहीं। चलिए मैं वापस आ रहा हूं सर, मैं वापस आ रहा हूं क्योंकि आपने केंद्र सरकार का नाम लिया, कान खड़े हैं सुरेश गर्ग साहब के, मैं जरा उनके पास में जाना चाहूंगा। गर्ग साहब, मिशन 156 राजस्थान के लिए और लगातार दौरे आपकी पार्टी के नेता कर रहे हैं, आक्रोश यात्रा निकाल रहे हो आप, आक्रोश सभा, और अब एक नया मिशन लेकर के चल रहे हैं कि हर चौखट तक जाएंगे आप लोग मतदाता से जुड़ने के लिए, हर घर को जोड़ने के लिए। लेकिन इसी बीच एक पासा बड़ा फेंका है सियासत में अशोक गहलोत ने, जो कहा है कि मिशन 156 इस बार, और उनकी उन्होंने यह भी दावा किया है कि इस बार मेरा काम और मेरे दिल की आवाज से मैं ये बात आपको कह रहा हूं। योगेंद्र जी, मुझे ये समझ में नहीं आती कि गहलोत साहब किस भाषा में बात कर रहे हैं, किस अंदाज में, हिंदी में। देखिए मैं कह रहा हूं कि 98 के अंदर, 98 के अंदर परसराम मदेना जी, नवल किशोर शर्मा जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, ठीक है, उस टाइम पे 156 सीटें आई। इसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बने थे आला कमान के आदेश के बाद। इसके बाद 98 के बाद में 2003 में चुनाव हुए, अशोक गहलोत जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, 2003 में चुनाव हुए, अशोक गहलोत जी को कितनी सीटें मिली, 57। फिर इसके बाद में दोबारा चुनाव हुए 2013 के अंदर, अशोक गहलोत जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, फिर 2013 में चुनाव हुए, तब अशोक गहलोत जी को मिली सीटें 21। तो अब आप ये बताइए कि पहले परसराम मदेना जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, फिर इसके बाद सीपी जोशी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, इसके बाद में सचिन पायलट जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। तो जब जब इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा था तब तक कांग्रेस को फायदा हुआ, लेकिन इनने जब 5 साल का मुख्यमंत्री काल निकाला तो उसमें कांग्रेस की बद से बदतर स्थिति हुई है। पहले 57 सीटें 2003 में आई थी और 2013 के अंदर इनकी 21 सीटें आई थी। अब 2023 के अंदर जो इलेक्शन है उसमें 21 सीटों को छोड़ के एक इनोवा लायक भी सीटें इनको नहीं आएगी, क्योंकि राजस्थान की जनता पिछले 4 साल के अंदर जो त्रस्त हो चुकी है, पिछले 4 साल में राजस्थान की जनता ने जो भयावह स्थिति देखी है कि बाड़ेबंदी और भ्रष्टाचार के अंदर ये लिप्त रहे हैं। पिछले साल खुद मुख्यमंत्री जी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बाड़ेबंदी में गर्ग साहब अशोक गहलोत जी का यह कहना है कि पहली बार मुझे ऐसा मेरे जो राजनीतिक जीवन में उसमें महसूस हो रहा है कि मैंने जनता की सेवा की है, और मेरी अंतरात्मा की आवाज है उससे 156 का आंकड़ा बाहर निकल के आ रहा है। मैं यहाँ ये अशोक गहलोत जी की अंतरात्मा है कि भारतीय जनता पार्टी को 156 या उससे ज्यादा सीटें देने वाले हैं ये, जिस हिसाब से 4 साल का जो कार्यकाल है उसमें भारतीय जनता पार्टी को ये 156 या उससे ज्यादा सीटें देने वाले हैं वो उनकी अंतरात्मा बोल रही है। आप बता दीजिए पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए। सर वापस लौटूंगा आपके पास में, दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ओम सैनी साहब के पास जाना चाहूंगा। ओम जी, क्या लगता है आपको मिशन 156 अशोक गहलोत साहब की ये कुछ वर्किंग या कहूं कि कवायद के बाद का आंकड़ा आ रहा है, या फिर ये कि बस सियासत में कुछ भी कहा जाए, बीजेपी ने 180 का आंकड़ा दिया था 2013 के अंदर, वैसे 156 अशोक गहलोत कह रहे हैं, या वास्तव में कुछ इसके धरातली आधार पे वो कुछ कह रहे हैं? योगेन जी, अंतरात्मा की आवाज से कुछ हासिल नहीं होता। एक आश्वस्त होते हैं आप, लेकिन अगर आपके पास में संगठन है, अगर आपने संगठन के जन संगठनों को बनाया है, मेरा कहना है कि 1985 के बाद में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक गहलोत बने, उस वक्त तक कांग्रेस के जो जन संगठन थे वो जेबी हो गए थे बिल्कुल, उनको वापस जमीन पे लाके जिस तरीके से संघर्ष के रास्ते पर वो उतरे पूरे संगठन को लेकर के, उस एक चेतना का डेवलपमेंट हुआ और उस चेतना ने भारतीय जनता पार्टी की जो अलग किस्म की राजनीति है उसके खिलाफ ऐसा माहौल बनाया कि वो सब चीजें हासिल कर गई। वो उसको आप उसको कोई नाम दीजिएगा, परसराम जी तो उनके घुटनों में दर्द होता था, कहीं जाते ही नहीं थे, मालिश करवाते थे और सारा सारा सिलसिला, लेकिन संगठन बना बनाया मिला। उनकी पराजय का कारण उस वक्त 156 आने के बाद में जो पराजय की सिलसिला है उसका एकमात्र कारण यह था कि जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है और जो किसी भी सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वो नागरिक को सब उपलब्ध कराए, वो नहीं करवा पाए। और ऐसे वक्त में साल भर पहले उन्होंने वो जो 156-7 जो फ्लैगशिप योजनाएं जारी की वो लगा के जैसे रेवड़ियां बांटी जा रही है, इट हैज गॉट नो मीनिंग। लेकिन संगठन जिस तरीके से बना दिया जाता है, कांग्रेस ने वैसा संगठन पहले नहीं था। अशोक गहलोत जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने
उन्होंने इन राजीव गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को और अशोक गहलोत ने प्रांतीय स्तर पर कांग्रेस के संगठन को जमीनी बनाया। उस जमीनी बनाने से एक फैसला होता है, अगर उसके मुताबिक काम करने से तो फिल वक्त ये देखने को मिल रहा है कि कोविड के वक्त में जैसा मैनेजमेंट सरकार ने किया, जितनी वित्तीय समस्याओं के बावजूद जो केंद्र की सरकार के साथ में जो तनाव रहा, जो उपलब्ध नहीं हुआ, लेकिन उसको जैसे निजात दिलाई, और साथ साथ में जो अभी इनकी जो जनहितकारी नीतियां हैं, संजीवनी जैसी चीजें जो कि जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि हम तो हमारे मुख्यमंत्री जो भैरव सिंह जी थे तो कहते थे का जो समाज का आखिरी आदमी है अंत्योदय उसके लिए ही तो बनाई थी, तो उसको लाभ पहुंचाएंगे उसके साथ में, और उस पर काफी उधार उधार भी सरकार पे हुई और वित्तीय घाटा भी हुआ, लेकिन लोगों को राहत देने का काम किया था उन्होंने, और यही कांग्रेस लोग आलोचना कर रहे थे, लेकिन बाद में इन सब चीजों को नजरअंदाज करके समझ लिया कि आर्थिक ढांचा दूसरे किस्म का है, डेवलपमेंट का जरिया यही है, उधार लीजिए, चुकाइए और निवेश करवाइए और आगे बढ़ाइए लोगों को। इस राज को समझ लेने के बाद में ये जो पीरियड रहा है 4.5 साल का, जिसमें बहुत कम इनको मौका मिला, उसके बावजूद उनको उन्होंने जो काम किया है लोगों के बीच में, जिस तरीके से गए आंतरिक ये तनाव तो होते हैं, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी में भी कांग्रेस में भी है, और किस वक्त एक ही उसमें बैठ जाए कुर्सी पे कुछ कोई पता नहीं है। ऐसी स्थिति में अंतरात्मा से नहीं, निश्चित रूप से संगठन के स्तर से और योजनाएं जिस तरीके से इम्प्लीमेंट की गई हैं उनके लाभ मिल सकते हैं, और उसके शायद मुझे नहीं मालूम कि 150 मिले। सैनी साहब कोई सा भी बता दो ना, कौन सी योजनाएं लागू हो गई, कौन सी योजना धरातल पे आ गई? एक तो योजना राजस्थान के अंदर धरातल पे नहीं है, चिरंजीवी योजना की मैं बता देता हूँ क्या स्थिति है। किसान श्याम जी के पास जाना चाहूंगा, बेरोजगारी सुरेश जी, मैं एक बार श्याम जी के पास जाना चाह रहा हूँ। श्याम जी, क्या लगता है मिशन 156 पे आपको? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से सिलसिला अभी चल रहा है राजनीति में, अशोक जी बहुत सोच समझ के और नापातोला बोलते हैं, ऐसा नहीं है। वो 156 जब लाए थे तो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो वो सचिन पायलट को सीधे तौर पर जवाब दे रहे हैं कि मैं भी 156 ला चुका हूं और मेरी मानसिकता कह रही है कि अब फिर से मेरे को गॉड गिफ्ट है, मैं बोलता हूं जो सच्चा हो जाता है। अब वो कह रहे हैं कि 156 फिर से जीत के आएंगे। देखिए मुख्यमंत्री जी है तो कह तो सकते हैं, कहने को कौन मना कर सकता, लेकिन संगठन की दृष्टि से जो अभी मैं ओम जी को सुन रहा था, संगठन पहले मजबूत था 98 में, आज संगठन की स्थिति बड़ी कमजोर है। 136 ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है अभी तक, आपने 500 ही मंडल अध्यक्ष बनाए, 2000 मंडल अध्यक्ष नहीं है, जिला अध्यक्ष नहीं है। ऐसी स्थिति में आप अगर संगठन नहीं बनाओगे फिर कहोगे कि हम 156 जीत के आएंगे, तो फिर कह तो सकते हो लेकिन जीत के आना बड़ा संभव नहीं लगता। लेकिन अब मैं फिर कहता हूं कि इनके नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व दोनों को मिला दे एक साथ और कहे भाई ठीक ठाक है, आप दोनों काम एक साथ करो, मैं मुख्यमंत्री बना देता हूं, संगठन का अध्यक्ष बना देता हूं, और फिर बदल हो जाए। आज भी अगर मुख्यमंत्री जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए और उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो हो सकता है कुछ कमाल हो, लेकिन होगा नहीं। तो ये जो चीजें राजनीति में संभव नहीं है वो कही जाती है, बोलनी चाहिए। अब देखिए सुरेश जी बैठे, इनकी पार्टी कहती है हम 2/3 बहुमत से जीतेंगे, अब आप 2/3 बहुमत से जीतोगे कैसे? अब सत्ता में आ सकते हो दोबारा, ये तो बात ठीक है, लेकिन 156 आएंगे ये संभव मेरे को लगता नहीं। इतना बड़बोलापन नहीं बोलना चाहिए मुख्यमंत्री जी को इस स्थिति में, ये सब नहीं बोलना चाहिए। सत्ता में तो कह रहे हैं रिपीट करेंगे, रिपीट 156 नहीं। देखिए अशोक परनामी ने जोधपुर में 180 का दावा किया था, 72 जीत पाए थे, तो देखिए इतना बड़ा दावा मत कीजिए। अभी 8 महीने का समय बाकी है आप, क्योंकि योजनाएं आप लाए हो, आप कई बार कह चुके हो योजना के कारण हम सत्ता में नहीं आ पाते, पहले आपने कहा खुद ने, अब आप योजना के आधार पर सत्ता में आ जाए। देखिए योजना किस आधार पर कितना कितना आपको लाभ देगी कुछ पता नहीं है, ये लोग लेकर के भूल जाते हैं। तो इस सत्ता का परिवर्तन अलग तरह का है। अब प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से सक्रिय हो रहे हैं, बाकी के सक्रिय हो रहे हैं, वसुंधरा जी कितनी सक्रिय हो रही है, सब कुछ है, लेकिन है सब चीज अपनी राजनीतिक पार्टी, लेकिन मौजूदा स्थिति में 156 का जो आंकड़ा दिया है मुख्यमंत्री जी ने, वो उनके खुद के लिए भारी नहीं पड़ रहा। राजीव गांधी मित्र लगा दिए उन्होंने प्रदेश में, आप संगठन से नहीं जीत पाओगे, अपने राजीव गांधी मित्र के माध्यम से अगर आप सर्वे करा रहे हो और कर रहे हो, हो सकता हो वो कह रहे हो, लेकिन
चुनौती है मुख्यमंत्री जी की बात को जी। अब सही कैसे होगा ये गोविंद सिंह डोडासरा खुद ही कंफर्म नहीं हो पा रहे कि वो प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। चलिए समय समय कम है गर्ग साहब आपके पास आना चाहूंगा एक बार में फिर आपका जवाब देंगे अरुण जी। मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि जो योजना है मेरी मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं जनता से जो बातें हो रही हैं जनता का फीडबैक आ रहा है उसको एक आधार बनाया है। उन्होंने यह भी कहा है कि मेरी गलतियां रही उस वक्त इसे मैं खारिज नहीं कर सकता उसकी वजह से हमें खामियाजा उठाना पड़ा कि कर्मचारियों को हम समझ नहीं पाए आज कर्मचारियों के साथ में हम खड़े हैं कर्मचारियों की मांगों पे हम गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जनता हमारे लिए तैयार है और हम वापसी करेंगे। देखिए योगेंद्र जी मेरे को यह समझ में नहीं आया कि कौन सी योजनाएं इन्होंने धरातल पे लाए हैं। चिरंजीवी योजना है चिरंजीवी योजना के अंदर दिव्या मदेना जी खुद इसके ऊपर आरोप लगा चुके हैं कि वो सक्सेसफुल नहीं है। मैं आज किसी हॉस्पिटल में मैंने 850 रुपए का बीमा कराया है मैं आज सर प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी भी हॉस्पिटल में चले जाऊं चैलेंज है मुझे वो चिरंजीवी योजना के बेनिफिट दे देते हो साफ मना कर देते हैं कि चिरंजीवी योजना के बेसिस पे हम आपका एडमिशन नहीं करेंगे। मैंने कई हॉस्पिटलों में मेरे रिश्तेदारों को और कई जो आते हैं उन लोगों के लिए गया था साफ मना कर दिया। दूसरा इन्होंने किसानों के कर्जा माफी की बात की थी क्या संपूर्ण कर्जा माफी हो गई किसानों की? इन्होंने बेरोजगारी भत्तों की बात की थी बेरोजगार आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज कर्मचारियों के मुद्दे को देख लीजिए आज बिजली के मुद्दे को देख लीजिए आज भ्रष्टाचार को देख लीजिए आज राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार कितना चरम सीमा पे है पग पग पे भ्रष्टाचार है बलात्कार की कितनी घटनाएं हो रही है आज महिलाओं के साथ अत्याचार आज देखिए कि आप देखिए कि कितने कानून व्यवस्था राजस्थान की कितनी बिगड़ी हुई है कानून व्यवस्था कि जगह जगह पे आज भ्रष्टाचार हो रहे हैं कोई भी सुनिए गर्ग साहब समय कम है क्योंकि आपके जो सवाल खड़े किए उनका मैं जवाब दे रहा हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि किस बेसिस पे ये सरकार लाने की बात करते हैं हम तो ये कह रहे हैं जवाब दिलवा रहा हूं आ जाएंगे वही एमएलए आ जाएगा वही बहुत बड़ी बात है इनके विपक्ष का नेता मिलेगा। गर्ग साहब आपने सवाल खड़े कर दिए उनका भरोसा है उसका जरा जवाब सुन लीजिए। कांग्रेस अभी अरुण शर्मा जी से मैंने पूछा है कि कोई आश्चर्य है इसमें अशोक गहलोत कह रहे हैं कि आश्चर्य कोई बात ही नहीं ये तो हमारी कवायद चल रही है तो जरा जवाब सुनिए। अरुण जी आपने सुना अभी सवाल खड़े किए हैं कई सारे गर्ग साहब ने कि किस आधार पे कह रही है कांग्रेस है कि हम 156 लाएंगे। देखिए साहब गर्ग साहब और इनके जो साथी लोग हैं प्रवक्ताओं के उनके सवाल तो मैं पिछले 3-4 साल से सुन रहा हूं लगभग एक सी कैसेट है उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बलात्कार भ्रष्टाचार ये 2-4 कौमें लगाते हैं मुझे नहीं लगता इनको पूरी स्थिति का ज्ञान है। ये ऐसे बात करते हैं जैसे पिछली सरकार में राम राज्य से निकल के राजस्थान वासी अब इस नई सरकार में आए हैं हमने बीजेपी के शासन देखे हैं सबने और इसीलिए बारी बारी से नंबर आ जाता है। इस बार नंबर इसलिए नहीं आएगा योगेंद्र जी मैंने बताया दोनों फैक्टर हैं जो देश में चल रहा है उससे भी राजस्थान वासी अफेक्टेड है। दूसरा भारतीय जनता पार्टी को पार्टी का हमें पूरा सहयोग है योगेंद्र जी इस 4 साल में कोई काम का मुद्दा ये उठा नहीं पाए हैं और रीट पे नकल पे सीबीआई की बातें करते हैं। इनके टाइम में भी 2013 में 14 में 15 में 18 में 3 बार पेपर लीक हुए आपको याद होगा थाने के लेवल पे निपटा दीन ने उसी मुंह से अब ये सीबीआई की जांच की बात करते हैं। हम राजस्थान के युवाओं को 20 साल टांगे नहीं रखना चाहते क्योंकि सीबीआई की जो रेट है केस सॉल्व करने की वो 4% है योगेंद्र जी 20-20 साल के पुराने केस आज तक सुलझे नहीं है। हम इस बीच टोटल खुद के हाथ से कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसी कार्रवाइयां हैं जो पहले कभी भी नहीं हुई हैं। अधिनियम आ गए हैं योजनाएं अरुण जी चलिए मैं माफी चाहूंगा सर मैं माफी चाहूंगा समय का अभाव मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को तो चलिए मिशन 156 अशोक गहलोत का दावा है ये पहली बार आंकड़ा आया है 4 साल के दरमियान और अब तक ये तो कहते आए कि हम सरकार वापसी करेंगे लेकिन 156 का आंकड़ा और इन्होंने साफ कहा है कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो पहली बार मैं आप लोगों के सामने बयां कर रहा हूं इस लिहाज से मैं कह सकता हूं कि जनता की पुकार है कि 156 हम लेके आएंगे। खैर चलिए ये आंकड़ा है और इस पे कई बार चर्चाएं होंगी देखते हैं आगे होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ी खबर में इतना ही दीजिए इजाजत नमस्कार।